पातशाही गुरु हरगोविंद जी के टाइम से ही हम उनका हथियार बनाते थे। जो युद्ध होते थे उनके युद्ध में हम ही लोग जाते, जो हथियार बनाते थे उनको, भाला होया, धनुषा हो, नागनी हो, कई प्रकार के जो भी युद्ध में यूज होते थे वो हम ही बनाते थे। जनता शक्ति न्यूज इस वक्त मौजूद हम चीन के परशुराम चौक पे। कई दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी, एक लड़का अरुण सरदार जो चाबी बनाने का काम करता है, बड़ी फास्ट सर्विस है उसकी, और उसके पास जो है दूर दूर से कॉल आती हैं चाबियाँ बनवाने के लिए, जैसे घर की चाबियाँ और बाइक, कोई भी अदरवाइज कोई भी अगर साधन संसाधन है उनकी चाबियाँ जो बनाने का काम करता है। तो कई दिन पहले वीडियो देखी थी, तो काफ़ी मेहनती है और काफ़ी जो है एक वीडियो देखी थी वायरल भी हो चुका है, तो उनसे हम बात करेंगे। उसका सपना था एक बड़ा मैकेनिक बनने का, लेकिन जो है बेरोजगारी ने उसको जो है चाबी का मैकेनिक तक ही रख दिया, लेकिन फिर भी जो है अपनी मेहनत के दम पर जो है अपना काम कर रहा है, अपना रोजगार चला रहा है। तो उससे बात करेंगे। अरुण सरदार है भाई, क्या हाल? बढ़िया सर जी, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया सर। तो जानना चाहेंगे भाई, एक वीडियो देखी थी काफी, हाँ, तो कब से जो है आप ये काम कर रहे हो और कितना टाइम हो गया, क्या हाल? बढ़िया सर जी। तो कैसा चल रहा काम? काम धंधा ऊपर वाले की दया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जी काम धंधा अपना। तो जानना चाहते हैं भाई दर्शक, भाई कब से आप ये काम कर रहे हो और इतनी फास्ट सर्विस सुनी है आपकी जो है, और दूर से भी ऑर्डर आते हैं? ये हमारी जो काम है जी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। छठे पातशाही गुरु हरगोविंद जी की टाइम से ही हम उनका हथियार बनाते थे। जो युद्ध होते थे उनके युद्ध में हम ही लोग जाते, जो हथियार बनाते थे उनको, भाला होया, धनुषा हो, नागनी हो, कई प्रकार के जो भी युद्ध में यूज होते थे वो हम ही बनाते थे। टाइम में जो राजाओं के टाइम में, तो फिर वो जो अब आते आते ये काम आता रहा, तो फिर जो हथियार बनाते थे सरकार ने इलीगल कर दिए, तो फिर गुजारा बुजारा करने के लिए अपना ये छोटा मोटा काम करने लगे। फिर जो आजकल की जनरेशन है हमारे प्रकार की, जैसे वो कंप्यूटराइज चाबियाँ बनाने लगे, तो इस प्रकार से काम चल रहा है जी। सुनने में आज आपका सपना था बड़ा मैकेनिक बनने का जी। अपनी पढ़ाई लिखाई करी तो किसी कारणवश नौकरी नहीं मिल पाई, तो छोटी मोटी अपनी प्राइवेट नौकरी की मैंने, 5 साल मारुति में, 5 साल होंडा में, 2 साल टीवीएस में। अच्छा, पर वहाँ नहीं मिला, तो फिर आखिरकार मेरे को अपना खुद का ही बिजनेस करना पड़ा जी। तो कितना आप कमा रहे हो अभी तक, काम चल जाता है? हाँ देखो, काम की तो ये बात है, देने वाला दाता आ रहा है, जो अपना रोजी मछली चल रही है, दाल रोटी चल रही है जी। तो सुनने में आज जैसे कॉल वगैरह आती है बाहर से भी, आप बाहर भी जाते हो, बाहर की सर्विस भी आती है? हमारी सर्विस ऑल ऑफ इंडिया सब जगह है, क्योंकि ऑनलाइन जस्ट डायल पे मेरा नंबर है, सर्च करते हैं तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ से कंप्लेंट आती है, तो कंप्लेंट पे चले जाते हैं जी। जो भी कंप्लेंट होती है उनकी आईडी लेते हैं, पूरे प्रूफ के साथ ही आगे जाते हैं, तो उनकी कंप्लेंट दूर कर देते हैं जी हम। जो किस तरह की चाबी आप बनाते हो? हम जी गाड़ियों की नहीं, हम कंप्यूटराइज सब गाड़ियों की चाबी बनाते हैं जी, नए ताले बेचते हैं, और जो भी लॉकर है, अलमारी है, तिजोरी है, सब प्रकार की चाबी बना देते हैं बाइकों की। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो रोक लिए, तो काम तो लगभग दिन का ही होगा, रात को तो नहीं आता होगा? रात को हम काम नहीं करते जी, अगर कोई इमरजेंसी कॉल भी आ जाती है तो पूरे आईडी प्रूफ के साथ पहले ही व्हाट्सअप करवा लेते हैं, वो हम देख लेते हैं किस प्रकार का कस्टमर है, तो रात को भी चले जाते हैं कंप्लेंट, जो इमरजेंसी है, अदरवाइज रात को हम काम नहीं करते। कितने भाई बहन? हम जी 3 भाई हैं जी, 1 सिस्टर है। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? भाई पढ़ रहा है जी, छोटा भाई है, जो पापा जी के साथ दूसरी दुकान है मेरी, वहाँ बैठते हैं जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि नंबर आपका जानना चाहेंगे भाई, कोई भी इमरजेंसी कई बार हो जाता है ऐसा, इमरजेंसी चाबी लगानी हो, ताला खराब हो जाता, गाड़ियों की भी हो जाती, बाइक कार और घर में भी कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपका नंबर शो करना चाहेंगे हम भी, अपना नंबर शो करिए। मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जी, 8186882013, अरुण सिंह। मेरा एड्रेस है जी भगवान परशुराम चौक, सपीदो रोड, नियर अबाउट महिला थाना, जींद। तो साथियों, अरुण से हमने बात की है, काफ़ी सर्विस तेज है इसकी, और मिनटों में चाबी बनाकर तैयार कर देता है। कई बार बहुत से ऐसे इमरजेंसी केस होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह जो है चाबियाँ भी गुम हो जाती है, गाड़ियों की, बाइक की, स्कूटी की, गाड़ियों की, और घर के अंदर भी काफ़ी जैसे लॉकर है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तो उनकी भी है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अरुण भाई से संपर्क आप कर सकते हैं। बढ़िया रेट लगाते हैं, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं लगाते, और बढ़िया तसल्ली से काम करने का काम करते हैं अरुण सरदार। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ जनता शक्ति न्यूज़ पर, और भी जो है लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।
बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।